तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है रोहित पागलपाल और आप देख रहे हैं कहानियों का भूचाल। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका द पोएट्री हाउस स्टूडियो में। दोस्तों, एक कहानी हमारे दीपावली के त्यौहार से जुड़ी हुई है, तो दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो इसलिए मैंने इस कहानी को आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश की है। मोहब्बत की कहानी, दर्द की कहानी, बेवफाई की कहानी, ब्रेकअप की कहानी, तो इस कहानी में बहुत मज़ा आने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो शुरू करते हैं। दीपावली आने में अब कुछ ही दिन शेष बचे थे, इसलिए घर की साफ सफाई चल रही थी। सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे, लिहाजा हमने सोचा कि हम भी कुछ हाथ बटा लेते हैं। घर की साफ सफाई के वक्त बड़े बड़े तो काम में लग जाते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे, इन सब में न जाने कहाँ से असीम शक्तियाँ आ जाती हैं। हर चीज को किसी जासूस से भी तेज नज़र से देखते हैं और हर मतलब बेमतलब की चीज को श्री कृष्ण भगवान की तरह गोवर्धन पर्वत से उठा लेते हैं। बच्चों की इसी धमा चौकड़ी के चलते किताबों के बीच में रखा फोटो का एक एल्बम जमीन पर गिर पड़ा। भाभी ने छुटकी को आंखें दिखा दी। छुटकी और गोलू सहमे हुए कमरे से बाहर निकल गए और दहलीज के बाहर कदम रखते ही फिर से मस्ती करते हुए खेलने चले गए। मैंने एल्बम उठाया, शायद पकड़ सही नहीं थी। ढीली पकड़ की वजह से एल्बम की कुछ तस्वीरें जमीन पर बिखर गई। मैं उन तस्वीरों को एल्बम में लगाने लगा, फिर एक तस्वीर को देखकर अचानक हाथ ठिठक गए। मेरी और सृष्टि की तस्वीर थी, मेरे अच्छे वक्त की पुरानी तस्वीर। मैं और सृष्टि होली के दिन प्यार और भावनाओं में रंगे हुए थे। भाभी ने खींची थी ये तस्वीर, आज भी याद है जब इस तस्वीर के बाद देवर और भाभी के बीच में क्या गजब होली खेली गई थी। भाभी ने मुझे बहुत छेड़ा था और भाभी को मैंने पूरा रंग दिया था। अचानक भाभी का हाथ मेरे कंधे पर आया। मैं एकदम से अतीत में जाती हुई अपनी नींद से जाग उठा। भाभी ने कहा, क्या हुआ देवर जी, कोई भूत ऊत देख लिया का? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस भाभी को अपनी और सृष्टि की फोटो दिखा दी। मैंने वह तस्वीर उनके हाथ में देते हुए कहा, कुछ खास नहीं भाभी, बस ये देख लिया था। भाभी जानती थी कि मैं सृष्टि को लेकर कितना भावुक हो जाता था। अचानक से मुझे छेड़ने वाली भाभी मेरी माँ जैसी बन गई। मेरे गालों पर अपनी हथेली को स्पर्श करते हुए बोली, देवर जी, इस दिवाली को 4 साल पूरे हो जाएंगे। जिस लड़की ने आपसे अपना रिश्ता खत्म करने में 4 मिनट भी नहीं लिए, आप उस रिश्ते का बोझ कब तक उठाते रहोगे? किस उम्मीद पर बैठे हो देवर जी? जो पेड़ पीछे छूट जाते हैं, उनकी छाया के लिए कोई वापस नहीं लौटा करता। पुराने जख्मों को फिर से कुरो दोगे तो कभी जख्म भर नहीं पाएंगे। सब कुछ पा लेने का मतलब ही जिंदगी नहीं होता। कभी कभी हमें जिंदगी में तालमेल और सामंजस्य बिठाना पड़ता है। भाभी कुछ देर चुप रही और फिर से बोली, देवर जी सुनो, हमें ना आपका ये मायूस चेहरा बिल्कुल पसंद है। मैं मुस्कुरा दिया। भाभी फिर अपने काम में लग गई। पहली मोहब्बत की नाकामयाबी उस कांटे की तरह चुभती है जिसका चुभन हर पल हर लम्हा अपनी अंतरात्मा तक महसूस किया जा सकता है। मैं अपनी और सृष्टि की सभी तस्वीरें एकत्रित कर रहा था। हर तस्वीर के साथ गहरी यादें जुड़ी थी। असल में इस वक्त मैं उन तस्वीरों में सहेजे उन हसीन लम्हों को समेट रहा था जो मैंने और सृष्टि ने साथ मिलकर बिताए थे। अगर सच्ची मोहब्बत में मजबूरियां हों तो समझ में आता है, कुछ वाजिब वजहें हों तो भी समझ में आता है, क्योंकि ऐसे मामलों में हम दिल को समझा लेते हैं कि वो बेवफा नहीं था। वो बेवफा नहीं थी, उसने भी कोशिश की, पर हर कश्ती को किनारा मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। पर आखिरी कोशिश तक लड़ना, ये दूसरों की लड़ाई के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। पर किसी का बीच में साथ छोड़ देना, ये तो किसी वेद पुराण, किसी गीता कुरान कहीं नहीं लिखा। जिस सृष्टि को अपनी सारी सृष्टि बनाना चाहता था, उसने तो मुझे अपने आप से अलग करने में 4 मिनट भी नहीं लगाए थे। कितना अजीब था ना, उसी का होकर फिर किसी का न रहना। कुछ 35 से 36 तस्वीरें रही होंगी। मैंने उन तस्वीरों को इकट्ठा करके अपने कमरे में एक अलमारी में रख दिया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बहुत मुश्किल था उन यादों को दिल से मिटा देना जो मेरी पूरी दुनिया हुआ करती थी।
लड़कियां तो आंसू बहाकर अपनी तकलीफ अपना दर्द कम भी कर लेती हैं, मगर लड़कों के साथ ऐसा नहीं। हम लड़कों को रोना भी नहीं आता। असल में दुनिया को लगता है कि मर्द आंसू बहाने के लिए नहीं बने हैं। हमारा समाज पता नहीं कैसा हो गया है जो ना महिलाओं की भावनाएं समझ पाता है और ना ही पुरुषों की व्यथा। लोग आध्यात्मिक ज्ञान से ज़्यादा सोशल मीडिया के ज्ञान को तवज्जो देने लगे हैं। आदर सत्कार की जगह ट्वीट करना सीख गए हैं। आज लोगों में लोग समाज की प्रतिष्ठा बनाने की जगह वीडियो बनाने में लग जाते हैं, और जो इन सब हादसों से बच जाते हैं उनका या तो सरकार बेड़ा गर्क कर देती है या फिर हमारी तरह अधूरी चाहत। बीती 3 दीपावली से मैंने दिए की जगह अपना दिल जलाया था। दिया तो हर दीपावली पर जलने के बाद बुझ जाता था, पर ये दिल यूं ही जलता रहता था। बीते 3 सालों से यूं ही सुलग रहा था। न जाने कितनी यादों की फुलझड़ियाँ, टूटे हुए दिल के अनार, उसकी बेवफाई से दिल में उठता दर्द सुतली बम की तरह फट जाता था। बीते 3 सालों से अपनी भावनाओं की ही दीपावली मना रहा था। अब एक और दीपावली आने वाली थी, लेकिन अब मेरा दिल सहन करना सीख गया था। सृष्टि ने मुझे एक नज़रिया दे दिया था। मैं इस बात को समझ चुका था कि दुनिया में पैदा भी अकेले हुए थे और मरना भी अकेले है, और जब ये दोनों काम अकेले ही करने हैं तो फिर अकेले जीने में हर्ज ही क्या है। इस वक्त मैं कुर्सी पर बैठा बैठा दुनिया का गणित सीख रहा था कि तभी भाभी आई। मुझसे बोली, देवर जी ज़रा उठो तो, कुछ काम है। मैं कुर्सी से खड़ा हुआ तो भाभी मुझे उठाकर खुद बैठ गई। मैंने पूछा, ये कौन सा काम है भाई, ऐसे कौन काम करवाता। भाभी बोली, इस कुर्सी पर बैठ के देख रही हूँ कि कैसा लगता है ख्यालों में खोए हुए। वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे। और फिर अपनी बात जारी रखते हुए बोली, देवर जी बहुत थक गई हूँ, अपनी भाभी के लिए चाय ही बना दो। मैंने कहा, जो आ गया हो मिनिस्टर जी। मैं जैसे ही कमरे के बाहर की तरफ निकला, भाभी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा और रोक लिया। भाभी बड़े प्यार से बोली, देवर जी आप रहने दीजिए, हम खुद ही बना लेंगे। मैंने पूछा, क्यों भाभी। वो बोली, आपका क्या पता, इतने खोए हुए रहते हो, बता भी नहीं सकती, चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया तो। मैं हंस दिया और बोला कि तो क्या हुआ, नमक वाली चाय पी लेना। भाभी हंसते हुए चाय बनाने चली गई और मैं उन तस्वीरों को उठा करके अलमारी में रखने चला गया। कुछ दिन उन तस्वीरों को अलमारी में वहीं रहने दिया। आज ये 4th दीपावली है। मन के एक हिस्से में शून्यता थी, इतनी रोशनी के बीच मेरी ज़िंदगी में अब भी अंधेरा था। हमारी पीढ़ी की यही तो विडंबना है, हम सच को जानना तो चाहते हैं पर उस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते। मैं अब समझ गया था कि साथ चलने के सपने दोनों देखते हैं पर कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं भी सृष्टि के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता, उसके इनकार के बाद भी उस पर हक जताता और इस उम्मीद में उसके आगे पीछे घूमता कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, और दूसरा रास्ता ये था कि जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। सृष्टि से मेरी मोहब्बत का धागा टूटा जरूर था, लेकिन पड़ोसी होने का तार जुड़ा हुआ था जो जाने अनजाने में औपचारिकता के नाते निभा रहा था। अब जब भी कभी टकरा जाते थे तो वो ऐसे मुंह फेर लेती थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। आज दीपावली आ गई थी, मैं थोड़ा परेशान था, दिया जलाते जलाते हाथ भी जल गया। मैं उठा, अपने कमरे में आया और वो सारी तस्वीरें उठा ली जिन्हें कुछ दिन पहले अलमारी में बंद करके रख दिया था। सभी तस्वीरों को बरामदे में रख कर मैंने दिया उठाया, उसका सारा तेल उन तस्वीरों पर उड़ेल दिया। वक्त आ गया था कि यादों की सीढ़ चुकी आतिशबाजी में चिंगारी दे दूँ। हर तस्वीर के साथ कुछ अरमान जल रहे थे, कुछ सपने जल रहे थे। इस साल 4th दिवाली पर हमने भी आतिशबाजी कर ली थी, हर तकलीफ को इस आग में जला दिया, अपने दिल की खंडहर हो चुकी मुंडेरों पर एक दीपक रख लिया था, अपनी ज़िंदगी के एक हिस्से में आग लगा के आने वाली ज़िंदगी को रोशनी दे दी थी। आज अपने अधूरे जज्बात जलाकर ज़िंदगी के मायने पूरे कर लिए थे। ऐसी एक दिवाली हमने भी मना ली। तो इस दीपावली को आप कैसे मनाने वाले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।